हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा मेजर लीग सॉकर का, सेंट लुइस सिटी वर्सेस मिनोस्टा यूनाइटेड के बीच 6 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो सेंट लुइस में और मिनोसेटा, ये दोनों टीम्स अच्छा कर रही हैं। हर सीज़न एमयू टीम का एक अलग गेम प्ले रहता है, मतलब मेरे हिसाब से ये टीम थोड़ी बेटर है, लेकिन सेंट लुइस ने पिछले 3 मैच बहुत अच्छे खेले हैं भाई। पहला मैच खेला सीज़न का, 4-4 से ड्रॉ हो गया, 4 गोल किए इन्होंने, 4 खाए भी, डिफेंड नहीं कर पाए थे। अगले मैच हार गए, तीसरा मैच भी ड्रॉ। तो मतलब सेंट लुइस जीत तो नहीं रही, लेकिन कोशिशें बहुत अच्छी हैं, मतलब कोशिश जो करेगी वो कभी ना कभी जीतेगी, मेरा ये कहना है। और एमयू की बात करें, एमयू टीम तो पुरानी है और इनके आधे से ज़्यादा प्लेयर्स को आप अच्छी तरह जानते होंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। सो एमयू टीम के लिए कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। विनिंग चांसेस 60% एमयू के हैं और 40% बचे कुछ एलएससी के, तो ये एक तरह बराबर है। तो आगे चलते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में हैलोंगवेन बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, मतलब हैलोंगवेन फॉर्म में है तो इस टीम को दिक्कत नहीं, अगर हैलोंगवेन फॉर्म में नहीं है तो इस टीम के लिए दिक्कत शुरू हो जाती है। लेकिन हैलोंगवेन का होना बहुत ज़रूरी है इस मैच में, मैं तो ये कहूँगा, ये खेलना चाहिए भाई इस बंदे को। उसके बाद येबुआ की बात करें, देखिए भाई मेरे को ना येबुआ पे ट्रस्ट नहीं है, ये 25 अगस्त को सीटल साउंटर्स को 2 गोल किए, उसके बाद एक भी गोल नहीं किया ना उससे पहले, तो येबुआ के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत 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 मुश्किल काम है। तो मैं चाहता हूँ कि ओलिव वेस्सी खेले, मेरा अंदर से मन है कि आज ओलिव वेस्सी को जगह दी जाए, मैं अभी ओलिव वेस्सी को ही सेफ कर रहा हूँ। उसके बाद जेक क्लॉज इज़ अ वर्स्ट प्लेयर, वर्स्ट मतलब बेकार, ठीक है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बंदा। एक मिडफील्डर को तुम लोगों ने स्ट्राइकर बना दिया, तो वो गलती इन लोगों की है, हमारी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको लेना है या तो एज बैकर, और अगर एज बैकर नहीं लेना तो इनका सबसे टॉप क्लास प्लेयर सैड्रिक टीचर्ट, ठीक है, ये बंदा बहुत ज़्यादा जेन्युइन, और मैं इसको लास्ट 3 मैचेस से नोटिस कर रहा हूँ कि ये बंदा गोल करने बहुत आगे बढ़ता है, भले गोल हो या ना हो, लेकिन भाई ये बहुत अच्छा गोल चांस क्रिएटर है टीम के लिए। उसके बाद मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ, देन आर लॉर्ड के बाद आपको और प्लेयर देखने को मिलेंगे, बट मेरा जो राय है कि आप या तो डॉटसन को लो, ठीक है, और जो लोग डॉटसन को नहीं लेना चाहते वो जियोंग को नहीं लेंगे, वो सीधा डिफेंडिंग में से कोई डिफेंडर उठा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने कोई प्लेयर छाटना है तो आई हैव ओनली वन सजेशन, डॉटसन, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो अब एम हार्टल बिल्कुल फिट है, ये आज के मैच में आपको दिख सकता है क्योंकि इसने लास्ट 3 मैच बहुत अच्छे खेले हैं। सी डर्किन से ये लोग स्ट्राइकिंग करवा रहे थे, मेरे को डर्किन का गेम प्ले बहुत अच्छा लगा, लेकिन डर्किन को वही लोग लेंगे जिन लोगों ने लॉवेन को नहीं लेना, क्योंकि वैसीलव एंड लॉवन को छोड़ना इज़ अ ग्रेट रिस्क। तो मैं लॉवन के साथ तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं वैसीलव को तो चलो छोड़ रहा हूँ, और ये जो डर्किन है ना, ये मेरे को अच्छा बहुत लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं इसे ले नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं रॉसेल्स को लूँगा, उसके बाद डी टेलर के बाद थर्ड डिफेंडिंग एमतापियास कर रहा है, तो मैं इसके साथ नहीं जाने वाला, मैं बॉक्सल के साथ जाऊँगा टीम में। और बात करें अगर हम गोल कीपिंग की, तो आर बुर्की भाई बहुत अच्छा प्लेयर, पहले इटालियन लीग में खेलता था, बहुत अच्छा खेलता है। एंड बात करें कैप्टन की, कप्तान है मेरा हॉलंगवेन, वाइस कप्तान मेरे भाई लॉर्ड है, ठीक है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।